अगर देखें संविधान को लेकर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा गया, पूरे चुनाव में संविधान और आरक्षण का मुद्दा छाया रहा, और अब एक और नया बयान है कि अग्निवीर को लेकर कांग्रेस हमलावर रहेगी। क्या लगता है आपको कि संविधान जो खतरे वाली बात थी वो तो अब चला गया, मुद्दा ही खत्म हो गया? कहाँ संविधान खतरे में था, ये तो अब समय बताएगा कि कौन सा था। आरक्षण को लेकर आपका क्या रुख रहेगा, उसके अलावा अग्निवीर को लेकर जो बात हो रही है उसे लेकर आपको क्या लगता है कि अग्निवीर को लेकर कांग्रेस का रुख जो है वो यही रहेगा कि अग्निवीर को लेकर पुनः समीक्षा हो, या ये पूरी तरीके से खत्म हो? संजय जी, इस देश में लोगों ने, जनता ने वोट की ताकत से ये बता दिया कि संविधान सर्वोपरि है। यहाँ मोदी की गारंटी नहीं चलती, यहाँ मोदी का अहंकार नहीं चलता, क्योंकि मोदी जी मोदी जी मोदी जी के नाम पे जो सारा चुनाव लड़ा गया, ये 240 पर सिमट कर रह गए हैं। तो संविधान सर्वोपरि है, ये जनता ने बता दिया। और जहां तक आप अग्निवीर की बात करते हैं, कांग्रेस तो विपक्ष का भूमिका निभा रही है, पर आपके अलायंस पार्टनर ये जो नीतीश डिपेंडेंट, नायडू डिपेंडेंट अलायंस है, एनडीए अलायंस की जो सरकार है, इसमें जेडीयू की तरफ से आ गई है अग्निवीर को स्क्रैप करने की डिमांड। तो सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी जो डंके की चोट पे कहते थे कि हम रिलीजन के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे आरक्षण नहीं देंगे, वहीं चंद्रबाबू नायडू जी 4% आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए उसको प्रोपोगेट करने की शपथ खा चुके हैं। और तो और उनके उनके मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें हैं। हर बड़े शहर में कब्रिस्तान के लिए जगह होगी, मुल्ला पादरियों के लिए स्टाइपेंड होगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं देखना चाहूंगी कि ये जो अलायंस है, जिसकी गठबंधन की जिसकी आदत नहीं है नरेंद्र मोदी जी को, जिसकी अभी तक आदत है कि ये एक स्वर में बोल देते थे डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब किस तरीके से ये सभी अलायंस पार्टनर्स को लेकर चलेंगे। और जहां तक आरक्षण की बात है, जेडीयू ने भी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया है, और जेडीयू आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत अहम भूमिका में है इस अलायंस में। तो किस तरीके से ये बैलेंस करेंगे, और नरेंद्र मोदी जी की शपथ लेते ही इस देश में 3 आतंकी घटनाएं हो गई हैं, चाहे रियासी हो, चाहे डोडा हो, चाहे कठुआ हो। नरेंद्र मोदी जी अपने बधाई संदेश को वापस प्रेषित करने में व्यस्त हैं, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। आज 27 लाख नीट के छात्र सड़कों पर है, नीट को वापस करवाने के लिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। और एनडीए में ही देखिए कहां अजीत पवार जी गुट का कह रहा है कि मैं राज्य मंत्री का नहीं लूंगा, ये मेरा डिमोशन हो जाएगा, वहां शिंदे से सेना अलग नाराज है। आज मैंने देखा एजीएसयू के झारखंड के जो अकेले एमपी हैं वो कह रहे हैं कि कुर्मी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं हुआ, वहां ललन सिंह को झुंझुना पकड़ा दिया गया है। तो जिस तरीके से इनको आदत है उसी तरीके से काम करने की, कि दो लोग सारे निर्णय लेते थे, पर अब जनता ने इन्हें बता दिया है कि आपको डिबेट को, डिस्कशन को, कंसेंट को, कोऑर्डिनेशन को केंद्र में रखकर काम करना पड़ेगा। आप एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकते, और मुझे लगता है ये सीखना पड़ेगा इस सरकार को, सारे पूजा जी, पूजा दलों जी, के साथ जो समन्वय बनाकर स्थितियां हैं वो तो सीखना आपके पड़ेगा, यहाँ भी ऐसी और हैं। यही लोकतंत्र की जीत हाँ है। पूजा जी, स्थितियां तो आपके यहाँ भी ऐसी हैं। आपका भी कुनबा बहुत बड़ा है और वहां पर मजबूत साथी भी बहुत हैं। संजय जी तो सरकार में नहीं है, हम विपक्ष में हैं, और विपक्ष की सशक्त आवाज बनेंगे, ये आपको मैं पूरा यकीन दिखा के कह सकती हूँ। पर सरकार का काम है, जैसा भी अभी हमारे विपिन जी ने बताया, हमारे अन्नदाता लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको ही सुनना, हमारे नीट के छात्रों की, विपक्ष का काम है नीट के छात्रों की आवाज सरकार तक लेके जाना, विपक्ष का काम है आतंकी मुठभेड़ की में जिन लोगों की शहीद शहादत हुई है उन तक सरकार को लेके जाना। पर पॉलिसी मेकिंग तो सरकार करेगी, और उस सारे गठबंधन के साथ सरकार करेगी, जिसमें चारों तरफ से, चारों अच्छा डायरेक्शन में डॉक्टर से पूजा भाग जी, रहे, चाहे आपको अग्निवीर लगता की है बात किस हो, किस चाहे क्योंकि बहुत सारे वादे थे, बड़ी बड़ी योजनाएं थी, चाहे वो यूसीसी हो, जनसंख्या हो, सीए हो, क्या लगता है आपको कांग्रेस का क्या रुख रहेगा इन पे? या सभी बंद होना चाहिए, कोई योजना नहीं, कोई देखिए कुछ नहीं? देखिए कांग्रेस का जो रुख रहेगा वो हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम बिना किसी की सहमति के इस देश में कोई भी कानून नहीं थोपेंगे, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो सीए हो। ये हमने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था, ये हम विपक्ष में भी कहेंगे, और ये पूरे इंडिया अलायंस की सम्मिलित आवाज है। पर आप जरा अपने अलायंस पार्टनर जेडीयू से पूछिए, क्या वो यूसीसी के साथ खड़ी है, क्या वो सीए के साथ खड़ी है? आप अपने में सहमति करिए, क्योंकि आपको अब किसी भी बड़े और लॉ को पास करने के लिए नंबर्स चाहिए होंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो अच्छा है, ये सरकार गठबंधन सीखेगी, ये सरकार आपस में डिस्कशन करना सीखेगी, आपस में लोगों की राय जानना सीखेगी। आज तक पिछले सरकार का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि 93% बिल पब्लिक कमिटीज को नहीं जाते थे,
पब्लिक कंसल्टेटिव कमिटीज को ओपन नहीं होते थे, तो अब तो अब बिल्स भी कमिटीज में जाएंगे, पार्लियामेंट्री कमिटीज में, अब पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ओपन भी होंगी, आपकी मेरी और हर किसी की आवाज सुनी जाएगी, पूछी जाएगी कि क्या यह सही है देश के लिए। और मुझे लगता है लोकतंत्र को बैलेंस करने के लिए, लोकतंत्र में संतुलन के लिए ये सबसे जरूरी इलेक्शन अच्छा, रिजल्ट डॉक्टर था इस पूजा बार। जी, अब तो संविधान खतरे में नहीं है, अब तो देखिए विपक्ष संविधान मजबूत है। खतरे में तो ये बताएंगे इन्होंने, इनके लीडर्स ने, हमने तो कुछ हाँ, नहीं कहा, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे दिया कुमारी हो, चाहे तो पूछ लो अरुण गोविल हो, संजय इन्होंने भाई, कहा था ईवीएम कि का हमें भी पूछ चार सौ लो, पांच संविधान एक के सौ साथ चार साथ सौ ईवीएम, पांच ठीक हो, है? यानी नहीं, सब चलिए, लोगों को ईवीएम बता का तो दिया कि रोना अब खत्म हो गया, अब हस्तक्षेप। सभी का मुझे नहीं लगता। पूजा जी, चलिए मैं पूछ ही लेता हूँ, विपिन जी कह रहे हैं तो ईवीएम तो सही है ना अब। देखिए मैं इस बात को बहुत बेबाकी से कहती हूँ कि इस देश में अगर चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी थी वो चुनाव आयोग ने नहीं निभाई। उस हाँ, चुनाव आयोग ने कहीं पर भी फ्री एंड फेयर नहीं किया। हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के 270 कंप्लेन किए थे, प्रधानमंत्री मटन मछली मुजरा मुल्ला मदरसा माफिया तक चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री पर एक एक कार्यवाही नहीं हुई। तो मैं कहती हूँ कि इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हो नहीं गया। जिस तरीके से नंबर्स की हेरा फेरी हमने देखी कि 6-6 लाख और एक्स्ट्रा वोट मतलब दस अभी भी दिन बाद बारह संतुष्टि दिन है बाद नहीं जुड़ आपकी, जाते हैं, डॉक्टर उसके पूजा लिए भी जी? इलेक्शन कमीशन को अनाउंस करना अब पड़ेगा। ये तो एक विषय लगातार चलता रहेगा।